हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके आई हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं और मैं बोलूं तो सैकड़ों की तादाद में मेरे पास डेली मैसेज आते हैं कि सुगम, हम डाइट कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, हम ग्लूटेन फ्री खाना खा रहे हैं, हम कीटो डाइट ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। तो आई थिंक थंबनेल से भी आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपको राइट चीज़ बिल्कुल बताने वाली हूँ। जैसे कि स्पेशली मैं अब जो मेरी जो सीरीज आएंगी वो डाइट पे आएंगी कि आप सही डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है, मेरे पास हजारों नहीं लाखों लाखों मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सुगम, क्या हमें बेसन चिल्ला लेना चाहिए वेट लॉस में, और कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कितने स्पून बेसन लेने चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे आज वीडियो में बताऊंगी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ का जो है चिल्ला ले रहे हैं। बेसन भी, दाल का भी बनता है, चने का भी बनता है, और भी दो तीन चीज़ों का बनता है। तो डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ का चिल्ला ले रहे हैं। अगर आपने चना दाल का चिल्ला लिया तो मे बी आपका वेट जो है वो बढ़ सकता है, मे बी घट भी सकता है। ये सारी चीज़ों की बात मैं वीडियो में आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डाइट से रिलेटेड इस समय बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ अच्छे अच्छे कि आपको डेली लाइफ में क्या लेना है। साथ ही साथ मेरा एक न्यू चैनल है जिसमें मैं DIY एंड ब्लॉग्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स, बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ आती हूँ। उसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, सुगम ब्यूटी जोन से है। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरी डेली रूटीन लाइफ जान सकते हैं। मैं ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ, लंच में क्या लेती हूँ, डिनर क्या लेती हूँ, इस समय मेरा ड्रिंक कौन सा चल रहा है, या क्या डाइट ले रही हूँ, तो उसके लिए आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान से सारी बातें सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, इस बेसन के चिल्ले के लिए आपको चाहिए यहाँ पे भुने हुए चने, और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है छिलका लगा हुआ हो, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स होता है, और बी कॉम्प्लेक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉट्स ऑफ फाइबर आपके पेट को कम करता है, बॉडी से चर्बी को निकालता है। इसीलिए जब आप बेसन का चिल्ला खाएं तो कभी भी मार्केट वाले बेसन का चिल्ला मत खाएं, मतलब मार्केट वाले बेसन का मत खाएं, क्योंकि वो चने की दाल का होता है। ऐसा नहीं है फायदा नहीं करता है, फायदा करता है, लेकिन वो आपको एक्सट्रीम वेट लॉस नहीं देगा। तो दो चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक तो चने का आपको चिल्ला खाना है, दूसरी चीज़ आपको छिलके वाले चने का चिल्ला खाना है। वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए इस तरह से आप भुने वाले चने ले आइए, एक कंटेनर में से स्टोर करिए। रोज आपको दो चिल्ले लेने हैं, तो इतना इनफ है इस दो चिल्ले के लिए, ये आपको लेना है। देन इसके बाद आपको 1 स्पून इसमें अलसी के दाने डालने हैं, फ्लैक्स सीड डालने हैं, और इसमें आप चाहे प्याज डाल लीजिए, इसमें आप चाहे कुछ चीज़ें और ऐड कर लीजिए। इसको उसके बाद आपको मिक्सी में चला देना है, और पानी में भिगो के, मतलब मिक्सी में या तो पानी डाल के चला लीजिए, नो प्रॉब्लम, मैं जैसे ऐसे ही चला लेती हूँ। इसको बंद करके चला लेना है, उसके बाद पानी डाल के इसको 5 मिनट तक रखना है, क्या कि ताकि जो इसके ग्रैनुल्स है वो अच्छे से गल जाए पानी में। उसके बाद आप इसमें प्याज मसाला जो भी रखिए, बस आपको सेंधा नमक लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप चिल्ला बनाइए। चिल्ला बनाने की रेसिपी मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज वो सबको बनाना आता है, सिर्फ यहाँ मैं इसीलिए इंग्रेडिएंट्स पे बात कर रही हूँ कि किन किन इंग्रेडिएंट्स को आपको लेना है, क्योंकि अधिकतर वेट लॉस के लिए बेसन का चिल्ला बताया ही बताया जाता है, और मोस्ट ऑफ डाइटिशियन भी इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी बेसन का चिल्ला लें तो भुने हुए चने विद उसके छिलके के साथ लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सोर्स है बी कॉम्प्लेक्स का। अगेन मैं यही बोलूँगी, और आप भी जानते होंगे शायद चने के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, और लॉट्स ऑफ फाइबर भी है। तो ट्राई जरूर करिएगा, और जैसा भी हो मेरे साथ शेयर भी करिएगा। साथ ही साथ मुझे, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की है, तो मेरे साथ इंस्टा पे टैग भी करिएगा। मेरी आईडी जो है बीइंग ब्यूटीफुल सुगम के नाम से है। सो फ्रेंड्स, देखा मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह की डाइट आपको लेनी है, क्योंकि भ्रम जो है लोगों के मन में
बहुत ज्यादा है कि हमें ये लेना है ये नहीं लेना है, साथ ही साथ वेट पुट ऑन भी कर रहे हैं, कुछ लोग घटा भी रहे हैं, लेकिन जो मिथ है और जो आपके मन में इन कंफ्यूजन है उनको डे बाय डे मैं दूर करती रहूंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।